मोहन सिंह जारा और रानी के कुकिंग शो में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ फिश फ्राई। आज मैंने पॉपलेट लिया है और पॉपलेट की आज मैं फिश फ्राई बनाऊंगी। चलो बनाते हैं। ये मैंने आधा किलो फिश लिया है, ये पॉपलेट फिश है, इसको मैं अभी मैरिनेट करती हूँ। ये मैं थोड़ा चाट मसाला लूंगी, थोड़ा ही लेंगे। ये जीरा पाउडर है, ये काला मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी लिया है, ये तीखा वाला लाल मिर्च है, ये भी आधा चम्मच लेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च है, ये भी हम आधा चम्मच लेंगे, ये अदरक लहसुन है, ये मैंने अदरक और लहसुन को पीस के रखा है, ये इसको भी हम दो चम्मच लेंगे, ये कॉर्नफ्लावर है, इसको भी मैं दो चम्मच इसमें मिलाऊंगी। टेस्ट के हिसाब से नमक लेंगे। अभी हम सब इसको अच्छे से फिश को मसाला लगाएंगे। इसको हम अच्छे से मसाले को सब पीसे इसको लगा देंगे और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे मसाले के साथ। हमारी फिश को अच्छे से मसाले लग गए हैं। चलो अब हम फ्राई करते हैं। पहले मैं गैस चालू करती हूँ और इसमें हम ऑयल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से गरम करेंगे, फिर उसमें फिश फ्राई करते हैं। तेल गरम हो गया है, अभी हम फिश फ्राई करते हैं। हमारे इधर सर्दी बहुत बढ़ गई है, तो हमने आज सोचा कि चलो आज फिश फ्राई करते हैं। मौसम भी ठंडा है और फिश भी गर्म है, तो मजा तो दुगना आएगा, इसीलिए सोचा चलो आज फिश बनाते हैं। एक साइड से फिश हो गया कि फिर मैं टर्न करूंगी। फिश को ज्यादा देर फ्राई नहीं करते हैं, ज्यादा फ्राई होगा तो वो कड़क होने लगती है। चलो अभी मैं टेस्ट करती हूँ। पहले मैं इस पर नींबू डालूंगी, नींबू के बिना फिश का मजा नहीं है। अभी मैं फिश टेस्ट करती हूँ। वाव, क्या बढ़िया फिश बनी है, देखिए कितनी नरम नरम और सॉफ्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत फ्रेश फिश मिली थी मुझे आज, बहुत अच्छी बनी है। चलो मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। चलो बाय।